वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बनाएंगे गले के लिए मफलर, जो हम अपनी किसी भी स्वेटर पर, किसी भी ड्रेस पर पहन सकते हैं। तो ये है हमारा नेक मफलर। तो इसके लिए हमने फर वाली वूल का यूज करना है। तो हमने एक क्रोशिया लिया है। अब हम इससे एक सिंपल गोल चेन बना के एक गोल धारा बनाएंगे। ये देखिए, सिंपल गोल धारा बनाएंगे। ये हमने चेन बना ली, एक सिंपल चेन बना ली। ये देखिए, एक सिंपल हमने चेन बना ली है। हमने ये चेन इतनी लंबी बना ली कि हम इसमें कम से कम 10 बार 3 2 1 करके इसको बुन सकें। इस तरीके से 3 2 1। ये हमने बना ली इस तरीके से। हम ये 10 या 10 से एक दो ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, 10 भी बहुत है। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने इसको पलटा मार लिया। अब हम क्या करेंगे, साइड से ये देखिए, एक एक दो, उसी के अंदर एक बार और, बाकी सिंपल, और साइड से उधर से भी एक के दो। इस तरह से करते हुए हम ये टोटल 20 बना लेंगे, क्योंकि 20 की चौड़ाई हमें मफरल के लिए बहुत है। हमने इस तरह से बना लिया। फिर हम उसी तरह से ये हमारे 20 बन गए। ये हम ऐसे बढ़ाते चले गए, तो बढ़ाते बढ़ाते हमारे ये कितने बन गए, 20। और ये गुलाई सी आ गई ऐसे नीचे से। अब हम इसको इसी तरह से बनाते जाएंगे। हम इसको अपने गले के हिसाब से रख के भी देख सकते हैं, नहीं तो हम इसको टोटल, हमने इसके समेत टोटल 2 गिट के करीब इसको बनाने। ये देखिए, हम इसको अब बिल्कुल सिंपल इसी तरह से बुनते जाएंगे। और जैसे हम इसको 20 के हिसाब से बुनते जा रहे हैं,
जब हमारा ये 2 गिट के करीब बन जाएगा, उसी तरीके से हमने जैसे बढ़ाए हैं उसी तरीके से हमने कम भी कर देने हैं। ये देखिए, ये हम ये इस तरीके से हमारा ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये देखिए, 1 गिट हो गया ये नीचे से, ये देखिए। अब ये दूसरे तरफ से भी हमारा 1 गिट हो गया, यानी कि 2 गिट हो गया ये। अब हम इसको कम करना शुरू करेंगे 2 गिट के बाद। जैसे हमने बढ़ाया था दो दो करके, अब हम दो दो करके इसको कम करते जाएंगे, और हमारा ये बिल्कुल उतना ही उसी तरीके से बन जाएगा। देखिए, सेम हम उसी तरह से कम कर रहे हैं, दो कम करते हैं इसी तरीके से करते हुए हम उतने पे ही आ जाएंगे, और उसको वहां से हम बंद कर देंगे। फिर इसको हम थोड़े ढीले हाथ से बुनेंगे, क्योंकि ये फर वाली ऊन है, इसके लिए हम हाथ को ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे। दो कम करने हैं हमने, यहाँ पर हम सिंपल दो का एक कर देंगे, ताकि हमारी गोलाई सी बन जाती है ये ऐसे। अब फिर हम दो कम कर देंगे, ये हमने कम कर दिया। इस तरीके से करते हुए हमारा ये बंद हो जाएगा, ये हमारी गोलाई हो गई। देखिए, सेम वैसा ही बन गया जैसे उधर से था। ये देखिए, सेम टू सेम बन गया। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम बनाएंगे पेंसिल और ब्लैक कलर की ऊन लेकर पोम पोम, यानी कि फुंदना, जो हमने मफरल में डोरी डालनी है उसके आगे लगाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेंसिल पर ऊन को लपेटना है। तो देखिए हम किस तरीके से लपेटेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए निशानी के लिए, ताकि हमें सेंटर पता रहे,
हमने एक किसी और कलर का धागा ले लेना है और एक ब्लैक ही लेना है जिस कलर का हम पोम पोम बना रहे हैं। तो हम पहले इनको रख लेंगे जहां पर हम लपेटेंगे। तो अब इसके ऊपर हम ऊन को लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए, तो ये छोटा और बड़ा हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए, ये धागे को हमने थोड़ा इधर कर लिया है उतने ही नाप का, और बीच में से सेंटर में से इसको लपेटना शुरू कर दिया गिन के। हम गिन के लपेटेंगे। देखिए देखिए कैसे लपेट रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। ये वाले धागे हमारे, ये देखिए, हम इसको 100, 50, 150 कितना भी लपेट सकते हैं। तो हम इसको 100 के करीब काउंट करके लपेटेंगे, क्योंकि हम जितना बड़ा बनाना चाहें उतना ज्यादा इसको लपेट सकते हैं। तो ये देखिए, हम बस हमने सिंपल क्या करना है, बस लपेटते जाना है। ये देखिए, बस ऊपर 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 लपेटते जा रहे हैं हम। ये देखिए, ये हम लपेटते जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमने इसकी मोटाई एक अपनी फिंगर जितनी कर ली है। ये अब हमने इसको साइड में कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसको निकालने लगे हैं। तो निकालते हुए ध्यान से देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ये हमने ये सारे धागे एक साथ पकड़ लिए हैं, ये ऐसे एक साथ पकड़ लिए बिल्कुल, उधर के भी और इधर के भी। ये देखिए, और क्या किया, अब हमने येलो कलर को बीच में से निकाल देना है, क्योंकि अब हमें ब्लैक की पहचान हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, इधर वाला ब्लैक और उधर वाले ब्लैक। ये देखिए, ये येलो हमने इसमें से निकाल दिया है। ये हमने पेंसिल से इसको निकाल दिया बाहर। अब हम इसको क्या करेंगे, नोट लगा लेंगे, अच्छी तरह से गांठ लगा लेंगे और टाइट रखेंगे इसको बिल्कुल। ये देखिए, ये हम इसको टाइट रखेंगे बिल्कुल टाइट, अच्छे से इसको नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसको, उसके बाद हम इसको अब सीजर से काटेंगे। नॉट लगाने के बाद पहले अच्छे से पकड़ के रखेंगे नॉट लगा के, और हम इसमें से बाकी की ऊन को काट देंगे। ये देखिए, हमने ये फालतू ऊन काट दिया है। अब हमारे पास वही हिस्सा रह गया है जो हमने लपेटा था। ये देखिए, हमने नोट लगाई हुई है। देखिए, अब हम इसको सीजर से कट करेंगे। जहां जहां से भी हमें ये डबल दिखाई देगा लिपटा हुआ, वहीं वहीं से हम इसको कट लगाते जाएंगे। क्योंकि जब पेंसिल पे हमने लपेटा ये छोटा और बड़ा, क्योंकि नीचे से लपेटना शुरू हुआ था तो वहां से छोटा होगा और ऊपर आते आते ये बड़ा बन गया, तो हमने उस सारे को अच्छे से कट करना है जहां जहां से भी ये डबल है। ये देखिए, पहले हमने उसको कट करना है, अच्छे से। जब हम इसको कट कर चुके होंगे उसके बाद हमने फ्लावर को, इसके पोम पोम को अच्छी तरह से ऐसे करना है कि इसका पॉम पॉम की गोलाई बिल्कुल सही तरीके से आ जाए। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हमें फालतू जहां से दिखाई दे रहा है वहीं से इसको कट करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम कट करते जाएंगे, कहीं से थोड़ा थोड़ा, कहीं से हमें ज्यादा लगता है तो ज्यादा, इस तरह से। और हमें ये ध्यान रखना है जो हमने नीचे की ऊन जहां से नोट लगाई थी उसको इसके बीच में नहीं लेना है, उसको अलग रखना है, वो हमारे सिलने के काम आएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी गुलाई देते जा रहे हैं। और जब हम इसको इस तरीके से अच्छे से काटते हैं तो ये हम इससे भी बड़ा, इससे भी छोटा, कितने भी साइज का पॉम पॉम तैयार कर सकते हैं।
इसको आप चाहे फिंगर पे बनाओ तब भी वही तरीका है, पेंसिल पर बनाओ तब भी वही है, स्केल पर बनाओ तब भी वही है, किसी भी चीज पर आप इसको बनाएंगे ये वही शेप ले लेगा। पेंसिल छोटी होने की वजह से ये ज्यादा सुंदर बनता है, क्योंकि इसके धागे छोटे और बड़े हर साइज के हो जाते हैं इसमें। ये देखिए, अभी भी है ना थोड़ा थोड़ा फालतू, जब हमने इसको बिखराया। बस इसमें हमारी कटिंग का ही हेर फेर है कि यदि हम कटिंग ध्यान से करेंगे तो ये पोम पोम परफेक्ट बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा पॉम्पोम तैयार हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसकी डोरी, जिसके आगे हमने ये दोनों पॉम्पोम लगाने हैं। तो उसके लिए हमने ये तीन तीन लेने हैं, ट्रिपल करनी है ऊन, तो हमें ट्रिपल करने के लिए तीन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये नौ इकट्ठी तारों का बनाना है। यदि हम तीन तारों का बना रहे होते तो हमें एक ही ऊन की बहुत थी, तो इसलिए हमें इसको ऊन को तीन हिस्सों में बांटना पड़ा। और अब हमने इसमें नोट लगा ली, ये तीन हिस्से हमारे इकट्ठे हो गए। अब हमने इसको नौ हिस्से कैसे बनाना है, क्योंकि हमने डोरी थोड़ी मोटी बनानी है। ये देखिए कैसे हमने इसको डबल किया, फिर ट्रिपल कर लिया, तीन हिस्से हो गए। और तीन हिस्से यानी कि नौ, तीन तीन नौ, नौ हो गए ना। अब हम इसको आगे आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए। आगे आगे बढ़ाने के लिए हमने जो ये डबल वाली साइड है हमारी, इसमें से हम सिंगल वाली साइड को निकालते जाएंगे, जितना चाहिए उतनी बार निकाल सकते हैं हम इसको। और इस तरह से हमारी ये नौ लाइंस की यानी कि नौ ऊनों की इकट्ठी डोरी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हम इतना लिया, इससे ज्यादा लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, फिर आगे आके कम पड़ जाए फिर दोबारा से हम खींच सकते हैं। इस तरीके से करते करते हम इसको नौ लाइनों वाली डोरी बनानी शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, और आगे चाहिए और आगे ले लो, नहीं चाहिए ना लो, खींच दो। ये देखिए, यदि काम करना हो तो इस तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, डोरी हम उसी तरह बनाएंगे जैसे हमें बनानी चाहिए क्रोशिए से, सिंपल। फिंगर का सहारा भी ले सकते हैं ताकि हम आराम से इसको निकाल सकें। ये इस तरीके से थोड़ा ढीला करके, ऐसे करने से ये हमारी प्रॉपर निकलती जाएगी, हम इसमें फिंगर का सहारा लेते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, और खींचते जाएंगे इसको, यूं खींचते जाएंगे, साथ साथ इसको हम टाइट भी करते जाएंगे। ये देखिए, फिंगर का सहारा लिया, टाइट कर दिया। इस तरह से हम इसको, ये देखिए, सहारा लेके फिंगर का, और इसको साथ साथ टाइट करेंगे, नहीं तो ये हमारी ढीली रह जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से करके हम इसको डोरी को बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस ऐसे लंबी डोरी बना लेंगे, जितनी हमें मफरल के लिए चाहिए, हम जितनी लंबी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। ये हमने बनाई है एक दो और एक तीन, तीन गिट बनाई है हमने, हम इसमें कम या ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको कट कर दिया और ये हमारी डोरी पूरी हो गई। ये देखिए, ये हम टाइट इसलिए करते हैं ताकि ये उधड़े ना। और जहां पर भी हमारी ये गांठे होने की वजह से कुछ आया है, इसको हम बाद में कट कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये सफाई से आ जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, और सुई धागे की मदद से हम इसको अंदर भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं।
इसको प्रॉपर हम ठीक कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी चोटी की तरह बन जाएगी। इसको मोटी या पतली हम उतनी ही ऊने करके कर सकते हैं जितनी हम चाहें। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पोम पोम बनाए हैं उनको हम इसके साथ अटैच करेंगे। देखिए कैसे, पहले हम एक ही साइड का अटैच करेंगे, दोनों साइड के नहीं। तो ये देखिए कैसे करेंगे, ये इस तरीके से घुमा के, ताकि ये पक्का हो जाए अच्छी तरह इसके साथ। ये देखिए इस तरह से, और इसको इसके साथ सिल देंगे अच्छे से। पहले हम एक साइड का इसलिए लगाएंगे ताकि हम डोरी को अच्छे से दूसरी तरफ पिरो सकें। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लेना है अच्छे से। हमने धागे को ऐसे काटा कि वो वाला धागा उसमें साथ ही मिल गया। ये देखिए, हमने उसके डोरी को क्या किया, इसके अंदर पिरो लिया, मफरल के अंदर पिरो लेना है। ये देखिए हमने पिरोया, उसके बाद हम दूसरी साइड लगा रहे हैं। यदि हम पहले पहले ही दूसरी साइड का लगा लेते तो हमें डोरी पिरोनी मुश्किल हो जाती। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डोरी पिरो के उसमें गांठ लगा ली है, और उसके बाद हमने ये दूसरा भी लगा दिया है। ये देखिए इसी तरह, और ये देखिए ये हमारा परफेक्ट मफरल तैयार हो गया है। धन्यवाद।